दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जो चारों ओर समुद्र के बीच बसा है, जिसकी खूबसूरती बहुत कम ही लोगों को पता है। एक ऐसा देश जहां के जंगलों में उगने वाले पेड़ पौधों से कई तरह के लाभकारी मेडिसिन बनाई जाती है। एक ऐसी कंट्री जहां महिला हो या पुरुष सब एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं। तो दोस्तों वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज हम आपको मेडागास्कर देश की सैर कराने वाले हैं, साथ ही आपको इस देश के बारे में कुछ रोचक बातें भी बताएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दे, इस देश का ऑफिशियल नेम द रिपब्लिक ऑफ मेडागास्कर है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, यानी एरिया वाइज के हिसाब से ये चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है। इस द्वीप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पाए जाने वाले पौधे और जीव, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वे धरती पर कहीं और नहीं पाए जाते। इस द्वीप पर लीमर, टैनरेक्स और चमकीले रंगों वाले गिरगिट आदि जीव आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, यह देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक माना जाता है। यहाँ की गरीबी दर पूरी आबादी का लगभग 65% है, और यहाँ के लोग प्रतिदिन $1 से कम की आय पर अपना जीवन यापन करते हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दे, मेडागास्कर देश को दुनिया भर में रेड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी मिट्टी लाल है और यह मिट्टी आमतौर पर खेती के लिए बेहद उपयुक्त मानी जाती है। मेडागास्कर की राजधानी अंटानानारिवो है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ के निवासी को मालागासी कहा जाता है, और यहाँ की आधिकारिक भाषा भी मालागासी है, जो सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। इसके अलावा यहाँ फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस देश का कुल क्षेत्रफल 5,87,041 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो एरिया के हिसाब से विश्व का 47वां सबसे बड़ा देश है। वहीं यहाँ की कुल आबादी 2,71,00,000 के आसपास है। दोस्तों मेडागास्कर एक ऐसा देश है जहाँ के जंगलों में आपको बाघ, चीता तो नहीं मिलेंगे, लेकिन लीमर सबसे ज्यादा दिख जाएंगे। इसीलिए तो इस देश को लीमर की कंट्री भी कहा जाता है। यहाँ लीमर की 100 से भी ज्यादा प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। वैसे दोस्तों इस देश में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो किसी और देश में नहीं मिलती। इस देश में लाइमस्टोन बहुत ज्यादा पाई जाती है, जो एक प्रकार का चूना पत्थर है। इस पत्थर को सिंगी नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये पत्थर कहीं और नहीं मिलते सिवाय इस देश को छोड़कर। वेल दोस्तों, अगर आप मछली पकड़ने का शौक रखते हैं तो यह देश आपके लिए एकदम सही जगह होगी, क्योंकि यहाँ के लोग फिशिंग बहुत करते हैं और यहाँ की मछलियाँ कई देशों में भेजी भी जाती है, जो इनके आय का मुख्य स्रोत है। वैसे दोस्तों खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ के लोग चावल खाने में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ के लोग बहुत गरीब है। यहाँ खेती करना लोगों में काफी लोकप्रिय है, क्योंकि खेती यहाँ के लोगों के जीवन जीने का सबसे बड़ा साधन है। यहाँ तरह तरह के अनाज उगाए जाते हैं। वैसे दोस्तों जब फसल की बात हो ही रही है तो आपको बता दें, इस देश ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। मेडागास्कर के जंगलों में उगने वाले पौधे किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। यहाँ के पौधों से कई तरह की औषधि बनाई जाती है, जो मानव जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। वैसे दोस्तों यहाँ के लोग खेल कूद में भी बेहद रुचि रखते हैं। यहाँ का लोकप्रिय खेल फुटबॉल है, जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। यहाँ की करेंसी को मालागासी अरियरी कहा जाता है, जहाँ भारत के 1 रुपए की करेंट वैल्यू 52 मालागासी अरियरी के बराबर है, यानी इस देश में भारतीय मुद्रा काफी मजबूत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।